ओके सर। अच्छा, आज हम पांच से छह क्वेश्चंस करेंगे, मगर ढंग से समझेंगे। आज कुछ चीजें अलग। सबसे पहले दिव्यंत बोलेगा। यस सर। दिव्यंत बच्चे, एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है, उसके कितने रूट्स होते हैं? टू दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है ना? यही होता है ना। यस सर। अगर मैं बोलता हूँ एक थर्ड डिग्री इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके कितने रूट्स होंगे? तीन। अल्फा, बीटा और गामा। अगर मैं यही चीज बोलता हूँ एक फोर्थ डिग्री इक्वेशन है, उसके कितने रूट्स होंगे? फोर। चलो, इतनी बात तो मेरे को लगता है सबको पता है। अच्छा, अब है ना कुछ बातें ध्यान रखें बच्चे। ये अल्फा बीटा जो है ना रियल है, ये सारे क्या है हमारे? रियल रूट्स की बात चल रही है। अच्छा, अब देखो बच्चे, हमेशा है ना कुछ रूट्स है ना वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था ना हमने, यस कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आते हैं ना, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं। किस में आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स। पेयर्स मतलब कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब, अगर एक टू प्लस थ्री आयटा रूट आ रहा है तो दूसरा रूट क्या आएगा? सही टू माइनस थ्री है ना? सही आइटम्स। यस है। यस सर। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। यस सर। अच्छा, आप मेरे को दिव्यंत ये बता, इसके अंदर मैक्सिमम कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं? इसके अंदर फोर। चार हो सकते हैं ना। यस सर। अच्छा, इसके अंदर कितने मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं? तीन। तीन नहीं, दो। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स में, मतलब ये दो होंगे या चार होंगे या छह होंगे, ये बात समझ आ गई, या जीरो होंगे, ठीक है? तो यस सर। कॉम्प्लेक्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? दो। और एक हमेशा क्या रहना चाहिए? बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अगर मैं एक सेवंथ डिग्री इक्वेशन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? सेवेंथ डिग्री इक्वेशन। सेवन डिग्री इक्वेशन में कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं? सिक्स। सिक्स हो सकते हैं। एक क्या होगा हमेशा? रियल, सही है। यस सर। अगर नाइन्थ डिग्री इक्वेशन है, उसमें कितने मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? एट। एट। और एक क्या होगा? रियल। अच्छा, अब मैं इसी स्टेटमेंट को बोलता हूँ, ऑड डिग्री इक्वेशन अगर है तो कम से कम उसका एटलीस्ट क्या होगा? वन रियल फोर रूट माइनस होगा। कोई डाउट? यस। ये बात क्लियर है? यस सर। ऑड डिग्री इक्वेशन का कम से कम एक रियल रूट होता ही होता है। कोई डाउट है? नो सर। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है? यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं। मैंने बोला जी कहते दिव्यंत बोलियो कि एक फिफ्थ डिग्री इक्वेशन है, क्या बोला मैंने? फिफ्थ डिग्री इक्वेशन। उसके पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा, रियल और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स के बारे में। फोर। अगर रियल कितने हो सकते हैं, मिनिमम क्या हो सकता है? एक। और चार क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और क्या हो सकता है अगर रियल? दो हो सकते हैं। यस सर। थ्री। नो और कितने कॉम्प्लेक्स होंगे? तीन हो सकते हैं ये, नो सर। तो ये केस नहीं हो सकता। अगर मैं ये बोलता हूं तीन हो सकते हैं रियल, यस सर। तीन और दो कॉम्प्लेक्स, बात समझ आ रही है? टोटल पांच ही रूट होंगे, हाँ या यस ना? सर। यस सर। तीसरा केस, चार हो सकते हैं, ठीक नो सर। है, पांच हो सकते हैं। यस सर। तो ये दो केसेस, तीन केसेस ही आपके ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब है ना एक कंसेप्ट समझते हैं, लिपिका
ध्रुव? यस सर। चलो आप ध्रुव तुम बोलना, यहां तक बात समझ आ गई अभी तक? हाँ जी सर। अच्छा अब एक कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैंने दे रखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस प्लस टू, ये बात समझ आ गई ध्रुव? यस यस सर। ये इक्वेशन दे रखी है, अब दो चीज है, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। यस पहले सर। ये लगा। अच्छा ध्रुव ये बता, ये इसको एफ एक्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? एफ एक्स। एफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू। यस सर। अच्छा यहाँ से यहाँ चेंज कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव? हाँ जी सर हो रहा है। और यहाँ से यहाँ चेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर वापस चेंज हो रहा है। और यहाँ से यहाँ चेंज कर रहे हैं तो कोई नहीं चेंज सर, हो रहा है? नहीं कोई चेंज नहीं है इसके सर। तो एक दो, यस तो सर। इसका मतलब एट इसके मोस्ट कितनी बार साइन चेंज हुआ है? दो, तो दो एट मोस्ट टू रियल रूट्स। टू पॉजिटिव रियल, यस क्या बोलेंगे? टू पॉजिटिव रियल रूट्स ये बोलेंगे। अच्छा अब ध्रुव इसमें बता मेरे को, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल देते हैं, एक्स की जगह क्या डाल देते हैं? माइनस एक्स। तो सर तो क्या तो आएगा हमारे पास? सर नेगेटिव में आ जाएगी वैल्यू। यस सर। ये आएगा हाँ जी सर। माइनस थ्री सेवेंटी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, यहां तक सिक्स। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब ये बता मेरे को, यहां से यहां कोई साइन चेंज हो रहा है? नहीं सर। यहां से यहां? नहीं सर लास्ट वाले में यहां से यहां? हो रहा सर। तो इसको बोलेंगे एट मोस्ट, क्या वन बोलेंगे? एटमोस्ट वन नेगेटिव रियल रूट। ये बात समझ आ गई, इसका मतलब होता है ये होता है डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। क्या यस होता है ये? डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन। क्या एफ ऑफ प्लस एक्स चेक करते हैं और क्या चेक करते हैं? एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ये बात समझ आ गई जी सर। अब दूसरी बात, अब साइन चेंज रूल क्या कहता है? साइन चेंज रूल कहता है, अब ये देखते हैं बस, इसमें थोड़ा सा कुछ याद करने वाली चीज, माइनस इन्फिनिटी माइनस टेन माइनस फाइव माइनस वन जीरो वन फाइव टेन इन्फिनिटी, कोई डाउट है? नो सर क्लियर है। ये वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज डालनी है। हाँ जी इसके सर। अंदर एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी डाल दे, माइनस इन्फिनिटी डालेगा तो माइनस इन्फिनिटी का होल क्यूब क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी फिर नेगेटिव वन, क्या आएगा? मतलब नेगेटिव ही आएगा, पूरी इक्वेशन नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा माइनस टेन डालेंगे तब भी क्या आएगा? माइनस टेन तब का भी होल क्यूब माइनस थाउजेंड होगा, यस जो सर भी तब भी वैल्यू नेगेटिव आएगी आ वो जाएगा। मेरे हिसाब से नेगेटिव ही रहेगी। हाँ जी सर। ठीक है हाँ जी। ध्रुव दिव्यन बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा दिव्यन अगर मैं माइनस फाइव डालूंगा इसमें तो क्या आएगा? माइनस फाइव का होल क्यूब माइनस वन ट्वेंटी फाइव आएगा, थ्री इंटू माइनस फाइव का होल स्क्वायर यस सर। सेवेंटी फाइव आ गया, सिक्स इंटू माइनस फाइव माइनस थर्टी आ गया प्लस टू, ये भी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर नेगेटिव। अब अगर माइनस वन डालता हूँ तो क्या आएगा? माइनस वन प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस टू, ये भी नेगेटिव आ रहा है शायद, है ना? यस सर। जीरो डालेंगे तो क्या आएगा? देख एक बार, जीरो डालेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव। अब वन डालेंगे तो क्या आएगा? वन माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस टू पॉजिटिव पॉजिटिव। फाइव डालेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, टेन डालेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, इन्फिनिटी डालेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, कोई डाउट है दिव्यंत? दिव्यंत यहाँ से यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है? यस सर। और कहीं चेंज हो रहा है? नो सर। तो इसको बोलते हैं कहाँ से किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में साइन चेंज हो रहा है? माइनस वन टू जीरो। इसको हम बोलते हैं एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन माइनस वन एंड जीरो, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब ऐसी तीन क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए, यहां तक बात सबको क्लियर है?
कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको डाउट हो? गर्ल सिंगल बच्चे डाउट है कोई? नो सर। चल अब एक चीज देखते हैं। मेरे को ये बता, गर्व सिंगल? यस सर। नेगेटिव रियल रूट के बारे में क्या बोला है पहले? ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या बोला सर? एट मोस्ट वन नेगेटिव रियल रूट, यानी ज्यादा से ज्यादा इसका क्या रहेगा? नेगेटिव रियल रूट रहेगा एक, और पॉजिटिव ये एटलीस्ट माइनस वन से जीरो क्या होता है? नेगेटिव भी होता है ना? यस सर। और कम से कम एक नेगेटिव रियल रूट इसके बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो नेगेटिव कम से कम एक नेगेटिव है, कम ज्यादा से ज्यादा भी एक नेगेटिव है, तो टोटल नेगेटिव कितने हो गए? वन। वन। एक एक तो क्या हो गया? कंफर्म नेगेटिव रियल रूट है, सही है ना? यस सर। अच्छा अब पॉजिटिव रियल रूट के बारे में कितना बोला है? सर एटलीस्ट टू पॉजिटिव रियल रूट्स। एट मोस्ट बोला है, एटलीस्ट नहीं बोला? एट मोस्ट टू पॉजिटिव रियल रूट्स। ज्यादा से ज्यादा दो, मिनिमम कितने हो सकते हैं? जीरो भी हो सकते हैं ना? यस सर। अब अगर इसके केसेस बनाए जाए तो हम बोलते हैं केसेस में मतलब ये हुआ कि जैसे एक मिनट देखो बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव रियल कॉम्प्लेक्स और टोटल कितने? पांच। अच्छा नेगेटिव तो कंफर्म्ड हो गया एक है। यस सर। पॉजिटिव को अगर जीरो मान लूं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कितने होंगे? दो होंगे। यस सर। और अगर इसको या तो क्या दो तो मान नहीं सकता, इसको दो ले लिए, इसको जीरो, और ये तीन आ गया। यस सर। तो टोटल समझ आ गया इस यस सर क्यूबिक इक्वेशन के, इस क्यूबिक इक्वेशन के बारे में ये बोला है एक नेगेटिव रियल रूट कंपल्शन है, या तो इसके एक पॉजिटिव होगा या तो दो पॉजिटिव, या तो जीरो पॉजिटिव होगा रियल रूट या दो पॉजिटिव, इसके बारे में ये बोल सकते हैं। ठीक है? यस। ये बात समझ आई है ढंग से? हाँ या ना? अगर यस सर। आशना? यस सर। आशना आप तुमने बोलो। आशना क्वेश्चन क्लियर है? यस सर क्लियर है। आशना अब देखो, साइन चेंज रूल, सॉरी डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन, जो भी था डिस्क्रीट रूल पहले बताया था इसलिए पहले। अच्छा बता मेरे को f ऑफ x के कितनी बार साइन चेंज हो रहे हैं? सर एक तो फर्स्ट केस में हो रहा है, सेकंड केस में भी हो रहा है, थर्ड केस में नहीं हो रहा है सर, दो केस में ही हो रहा है सर। एट मोस्ट क्या बोलूं? एट मोस्ट टू पॉजिटिव रियल रूट। कोई डाउट है? नो सर। x की जगह माइनस x डाल दो। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा आशना इसमें कोई साइन चेंज हो रहा है? यस सर इसमें है टू टाइम्स चेंज हो रहा है, तो एट मोस्ट टू। मेरे को लग रहा है तीन बार हो रहा है। सही है कि नहीं आशना? यस सर। यस सर तीन आ गए ना, एक नेगेटिव से पॉजिटिव पहले में भी है। यस सर समझ गए। चल अच्छा मिनिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट है, मैक्सिमम कितने पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं इसके? सर मैक्सिमम टू हो सकते हैं और मिनिमम थ्री। मिनिमम अभी निकाला नहीं है, एट मोस्ट नेगेटिव कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम सर नेगेटिव थ्री हो सकते हैं मैक्सिमम। बस जी कहता पॉजिटिव कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? पॉजिटिव टू हो सकते हैं। और नेगेटिव?
नेगेटिव थ्री अच्छा आप जल्दी बता, माइनस इनफिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी? माइनस इनफिनिटी की पावर 5 नेगेटिव होता है। यस सर नेगेटिव सर, नेक्स्ट में भी नेगेटिव सर, 0 तक सारे नेगेटिव। माइनस वन पे भी, माइनस वन पे भी एक बार देखना, माइनस वन पे क्या आ रहा है, माइनस वन पे क्या आ रहा है, माइनस वन प्लस फाइव प्लस थ्री माइनस टू प्लस वन आ रहा है, पांच तीन सात पॉजिटिव आ रहा है, हाँ कि नहीं? यस सर, यस सर। जीरो पे पॉजिटिव, वन पे क्या आ रहा है, वन पे क्या आ रहा है, वन पे ही पॉजिटिव ही आ रहा है, फाइव पे पॉजिटिव, टेन पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इनफिनिटी पे भी पॉजिटिव। इसमें कितनी बार साइन चेंज हुआ सर? एक बार। एक कहां से कहां पर सर? माइनस फाइव से माइनस वन तक। तो एटलीस्ट क्या हो गया इसका? एटलीस्ट वन। रूट किसके बीच में? बिटवीन माइनस फाइव एंड माइनस वन। तो नेगेटिव एक रियल रूट तो है ही है, सही है? यस। अच्छा आप एक बारी समझते हैं इस चीज को, इसके बारे में लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और टोटल। अब देख पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में एक पता है, कम से कम क्या होगा? कम से कम एक। कम से कम एक होगा और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही होगा। ज्यादा से ज्यादा? अच्छा यस सर, थ्री होगा, थ्री। वन होंगे और पॉजिटिव को जीरो रख देते हैं। पॉजिटिव को क्या रख दिया? जीरो। तो कॉम्प्लेक्स कितने हो गए? फोर। अच्छा अब टू रख सकता हूँ नेगेटिव? यस सर। अगर टू रखूं तो क्या केस बनेगा? वन नेगेटिव, टू नेगेटिव और थ्री नेगेटिव। यस सर। अच्छा अब एक मिनट, टू नेगेटिव अगर रख दिए तो पॉजिटिव कितने रखूं? पॉजिटिव वन। देखो कॉम्प्लेक्स कितने रहने चाहिए? पेयर्स में होने चाहिए, दो रखने पड़ेंगे, एक यहाँ पर, सही है? यस सर। और तीन अगर नेगेटिव रखे हैं, तीन नेगेटिव रखे तो पॉजिटिव कितने? जीरो भी रख सकता हूँ और तीन रखे हैं तो दो भी रख सकता हूँ। यहाँ पे जीरो का तो दो आएगा, यहाँ पे रखा तो जीरो आएगा। अब इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? नो सर। तीन से ज्यादा तो हो नहीं सकता, यही पॉसिबल केसेस है आपके जो इस इक्वेशन के बारे में बोले जा सकते हैं। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है ये जी आप बच्चे बात समझ आ गई है? श्रेया बात समझ आई है? यस सर। हाँ बच्चे ग्रुप में डाल देगा, ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा बताओ श्रेयस बच्चे बात समझ आ गई है? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखते हैं एफ एक्स दे रखा है, एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है श्रेयस बच्चे? यस सर। अच्छा अब इसके बारे में एफ ऑफ प्लस एक्स की कितनी बार साइन चेंज हो रही है, जल्दी बता। सर दो बारी। कब कब? एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे भी हो गया, एक यहाँ पे भी हो रहा है, बस तीन बार हो रहा है ना? यस सर। सही है, तो थ्री एट मोस्ट क्या लिखें? थ्री पॉजिटिव रियल रूट। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा एफ ऑफ माइनस क्या आएगा? एक्स बार फोर आएगा प्लस फोर एक्स क्यूब आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू एक्स आएगा माइनस वन। कितनी बार साइन चेंज हो रहा है? सर एक बारी। तो क्या बोलू, एट मोस्ट क्या लिखे? सर वन नेगेटिव रूट। बात समझ आ गई? यस सर।
अब तीसरी है, प्लस नहीं माइनस इन्फिनिटी, माइनस टेन, माइनस फाइव, माइनस वन, जीरो, वन, फाइव, टेन, इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे आंसर क्या आ रहा है जल्दी बोल दे बच्चे, ये क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। यस सर। माइनस टेन पे भी आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस फाइव पे आंसर देख लो एक बार क्या आएगा, मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही आना चाहिए। माइनस वन पे चेक करते, माइनस वन पे आंसर क्या आएगा, अब प्लस वन, प्लस फोर, प्लस वन, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। जीरो पे क्या आ रहा है सर, नेगेटिव। और वन पे क्या आ रहा है जल्दी बोल दे, वन पे वन प्लस, ये मेरे को लग रहा है नेगेटिव आएगा। फाइव पे आंसर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ही पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ही पॉजिटिव आएगा, ये देख ले एक बारी। सही है? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। दो जगह साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। माइनस वन से जीरो, इसका मतलब एटलीस्ट वन नेगेटिव रियल रूट। सही है? और वन से फाइव में भी साइन चेंज है, तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव पॉजिटिव रियल रूट। कोई डाउट है? नो सर। बच्चे इतनी बात समझ आ गई है, पहले तो ये बताओ। यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब पॉजिटिव रियल रूट कितनी है, मिनिमम कितनी है? पॉजिटिव रियल रूट कितनी है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी है पॉजिटिव रियल रूट? सर थ्री। यानी पॉजिटिव पी की वैल्यू वन से थ्री के बीच में लाई करती है पॉजिटिव रियल रूट। नेगेटिव रियल रूट की वैल्यू कितनी, कहां से कहां तक लाई करती है जल्दी बोल? वन से वन तक। सही है? यस सर। तो नेगेटिव तो कंफर्म्ड हो गई कि कितनी होंगी, वन होंगी ना? यस सर। पॉजिटिव फिर नेगेटिव और फिर कॉम्प्लेक्स। सर अब बता, नेगेटिव को हमने वन रख दिया, पॉजिटिव को अभी बता दो। पॉजिटिव वाली ये कितना आया, यहाँ पे पॉजिटिव कितना आया, एक पॉजिटिव रियल रूट आया। यस सर। और यहाँ पे पॉजिटिव जो आया नीचे वाले में, ऊपर वाले में तीन आए। यस सर। तो वन से थ्री तो लाई करेगा। नेगेटिव का वो बोल दिया एक है ही, एक पॉजिटिव वाला। अब कॉम्प्लेक्स तो तीन हो नहीं सकते, तीन की जगह क्या रखता हूँ दो, इसका मतलब पॉजिटिव एक होना चाहिए। वन और दूसरा क्या रखता हूँ, वन टू नहीं रख सकता, यहाँ पे थ्री रखूंगा तो यहाँ पे क्या रखूंगा, जीरो। सही है? और कोई केस हो सकता है? तो ये पॉसिबल केस है इस इक्वेशन के लिए, पॉजिटिव एक रियल रूट, नेगेटिव एक रियल रूट, कॉम्प्लेक्स दो, या पॉजिटिव तीन, नेगेटिव एक, कॉम्प्लेक्स जीरो। ये दो केसेस होते हैं, यानी दो रियल रूट तो होंगे ही होंगे इस इक्वेशन के, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव को मिला के। कोई डाउट है? नो सर। चल ठीक है बच्चे, इतना काम कर लो। ठीक है, नहीं कल, अभी बीच में होगा बच्चे, वेडनेसडे थर्सडे को होगा, जब बारिश बंद हो जाएंगी उसके बाद फिजिकली बुलाया जाएगा, तब होगा। ठीक है सर, ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं? नहीं, ये पांच क्वेश्चन दे रखे हैं क्वाड्रेटिक के बेसिक्स में, देख लेना छठे सातवें पेज पे दे रखे हैं, यही क्वेश्चन रिपीट, जो पांच क्वेश्चन होंगे वो रिपीट हो। ठीक है? ओके सर।